ये आज मैंने आई थिंक जैकेट वेयर करा है एंड ये आपको मेरे नेक्स्ट कमिंग वीक में देखने को मिलेगी. सो स्टे ट्यून्ड. वेलकम टू टुडेज़ वीडियो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. होप यू आर डूइंग गुड गाइज. आई एम बैक विद अनदर हॉल वीडियो और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुर्ती सेट अंडर 700 रुपीज जो मैंने मिंत्रा की सेल से ली है. 700 रुपीज में कुर्ती सेट, वो भी बहुत यूनिक, बहुत स्टाइलिश, मुझे बहुत अच्छी डील मिली है एंड वो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी. जितने भी कुर्ती सेट्स है वो डेली यूज, कॉलेज यूज, ऑफिस वेयर सब के लिए परफेक्ट है. जितने भी कुर्ती सेट्स मैं आपको दिखाऊंगी वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है एंड बहुत स्टाइलिश है. 700 रुपीज में बहुत ही ऑसम कुर्ती सेट आज आपको देखने को मिलेगी. अभी मिंत्रा की सेल खत्म हो गई है एंड अगर अभी आप प्राइस चेक करोगे तो उनकी प्राइस जस्ट डबल हो गई है. इतना यू नो नॉर्मल डे पे भी इनकी प्राइस नहीं रहती है. जब भी बड़ी सेल चलती है मिंत्रा पे, जब भी वो सेल खत्म होती है, सो 10 से 15 दिन तक आप जब प्राइजेस देखोगे ना तो बहुत ज्यादा हाई लगेगा. लाइक इससे पहले भी इतनी प्राइस में वो नहीं मिल रही थी सेल से पहले जितना भी उनके प्राइस होते हैं. सो अभी कुछ टाइम तक मिंत्रा पे प्राइस बहुत हाई मिलेगी बट उसके बाद अगर आप चेक करोगे जब ये सेल का यू नो फीवर कम हो जाएगा और उसके बाद आप ये प्राइस चेक करोगे तो आपको बहुत कम में मिल जाएगी. मैं हमेशा बोलती हूँ कि मिंत्रा पे सिर्फ सेल पे ऑफर नहीं मिलती, मिंत्रा पे यू नो हमेशा ऑफर्स मिलती है. सेल से पहले मुझे एक सांग्रिया की कुर्ती सेट बहुत ज्यादा पसंद थी एंड उसकी प्राइस 1000 रुपीज थी बट सेल के टाइम में उसकी प्राइस 1200 रुपीज हो गई एंड अभी जब मैं उसकी प्राइस देख रही हूँ ना तो वो 2000 रुपीज हो जा रही है. मिंत्रा की जो प्राइस होती है ना कभी ऐसे होती है, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे. सो उनकी प्राइसेस बहुत अप एंड डाउन होती है. अगर आपको कुछ भी पसंद है तो उसे विशलिस्ट में रखिए एंड चेक कीजिए और स्मार्टली शॉपिंग कीजिए. अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट में मुझे जरूर से बताओ कि कौन सी कुर्ती सेट आपको अच्छी लगी. एंड मेरे चैनल पे गिव अवे भी चल रही है, सो पार्टिसिपेट करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे क्लिक करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एंड ये न्यू एंड ओल्ड सारे सब्सक्राइबर के लिए है, सो प्लीज जाके पार्टिसिपेट कीजिए. विदाउट फर्दर डू लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो. My first item is this maroon and green printed kurta with palazzo. Comes with this ethnic jacket. This maroon straight kurti has a multiple slit and sleeveless kurti hai. Ye rounding ke saath hai, straight hem hai. Material kurti andar ki sleeveless kurti ki cotton hai and ye aati hai ye printed jacket ke saath jo three quarter sleeve hai and iska material viscose rayon hai. Palazzo ka material viscose rayon hai. Bahut hi super, bahut hi awesome material hai. Mujhe material bahut zyada pasand aayi and color combination bahut achhi hai. Pehenne pe bahut zyada comfortable है एंड आप प्रिंट्स देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत रेड रेड कलर की प्रिंट्स बनी हुई है जो कि बहुत ही ऑसम लग रही है. एंड इसे आप मल्टीपल स्टाइल कर सकते हैं, लाइक मल्टीपल टाइप स्टाइलिंग आप कर सकते हैं. श्रग किसी भी टॉप के साथ यूज कर सकते हैं, स्लीवलेस कुर्ती किसी जीन्स के साथ यूज कर सकते हैं, तो बहुत तरीके से स्टाइल कर सकते हैं. एंड बहुत ही स्टाइलिश कुर्ती सेट है, बहुत हैपनिंग लग रही है और मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि जो स्लीवलेस कुर्ती है रेड कलर की उसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है, उतना सी थ्रू नहीं है, बहुत लाइट सी थ्रू है, बिल्कुल पता नहीं चलने वाला. सो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी, अगर ये अवेलेबल है तो प्लीज इसे ग्रैब कर लीजिए और आप इसे बहुत तरीके से स्टाइल करके पहनिए. Green and brown printed kurta with palazzo. This brown printed A-line kurti has a tie-up neck detailing and three-quarter sleeve. Bell sleeve ke saath hai, flared hem hai. Kaafi achhi anarkali type kurti hai ye. Aur material iska pure cotton hai. Bottom material bhi pure cotton hai. And iska material pure cotton bahut hi zyada super fine, bahut awesome hai. Like ek bahut hi soft kind of material jo cotton ki hoti hai, uska waisi material hai ye. And iska ab camera pe aapko color iski bahut light lag rahi hogi. Design bahut hi डल टाइप लग रही होगी बट रियल में ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है, बहुत डिसेंट लग रही है एंड बहुत स्टाइलिश भी लग रही है. सामने देख सकते हैं डोरी दी हुई है फ्रंट पे, टाई नेकलाइन पे जिसपे ये दो ब्राउन ब्राउन कलर की पॉम्पम लगाई हुई है. एंड प्रिंट्स इसकी बहुत ही लाइट, बहुत ही ऑसम है, मुझे बहुत पसंद आई. लाइक अगर आपको बहुत ज्यादा जिस दिन स्टाइल करने का मन नहीं कर रहा है बट एट द सेम टाइम आपको बहुत स्टाइलिश लगने का मन कर रहा है, उस दिन के लिए कुर्ती सेट परफेक्ट है. सो मैं इसे भी रिकमेंड करूंगी. Living a hollow life.
ब्लैक एंड ब्रीज प्रिंटेड कुर्ता विथ प्लाजो. दिस फ्लोरल कुर्ती हैज अ मैरून कॉलर, शॉर्ट स्लीव, एसिमेट्रिकल हेम, कम्स विद दिस फैब्रिक बेल्ट जो कि सेम कलर की फैब्रिक की है, एंड बहुत ही खूबसूरत सी स्लीव है, शॉर्ट स्लीव है इसकी, जिसकी फिटिंग बहुत अच्छी आ रही है मुझे. एंड बेस्ट पार्ट है कि इसके नीचे की जो डिज़ाइन है फ्रंट स्लिट के साथ है वो बहुत ऑसम लग रही है. सबसे बेस्ट इस डिज़ाइन की है कि शॉर्ट हाइट गर्ल्स पे भी बहुत अच्छी लगेगी एंड टॉल गर्ल्स पे भी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि इसकी कटिंग ऐसी है कि दोनों हाइट को ये जाएगी. एंड टॉप फैब्रिक विस्कॉस रेयन है, बॉटम फैब्रिक विस्कॉस रेयन है. बहुत ही सुपर फाइन मटेरियल है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत कंफर्टेबल है. प्लाजो पे दो पॉकेट्स है एंड इसकी प्रिंट्स है, दो डिफरेंट प्रिंट्स है, लाइक प्लाजो पे कुछ और है एंड कुर्ती पे कुछ और है, तो वो भी बहुत गॉर्जियस लग रही है, बहुत ऑसम लग रही है. सो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई. माई नेक्स्ट आइटम इज दिस ऑरेंज एंड ऑफ व्हाइट प्रिंटेड कुर्ता विद ट्राउजर. दिस कुर्ता हैज अ राउंड नेक, थ्री क्वार्टर स्लीव, स्ट्रेट हेम, साइड स्लिट के साथ है. एंड बेस्ट पार्ट इस कुर्ती सेट की है कि ये कलर बहुत ही ऑसम है, बहुत गॉर्जियस कलर है, एंड इस ऐसी कलर बहुत ही रेयर मिलती है, सो इसलिए मैंने इसे ले लिया. इस पर और भी कलर्स ऑप्शन आपको मिलेंगे, सो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप एक बार वो कलर्स चेक कर लेना. मटेरियल प्योर कॉटन है ट्राउजर एंड कुर्ती दोनों की, सो मटेरियल बहुत अच्छी है, सी थ्रू नहीं है ये कुर्ती सेट उतनी, बहुत ही लाइट ट्रांसपेरेंट है, मतलब इतना कि आपको उतना नज़र नहीं आएगी. और दोनों पॉकेट, दोनों तरफ पॉकेट्स है ट्राउज़र पे, एंड प्रिंट्स आप देख सकते हैं, कुर्ती पे कुछ और है एंड ट्राउज़र पे कुछ और है. बेस्ट पार्ट है कुर्ती पे आपको ऐसा लगेगा जैसे थ्रेडवर्क बनी हुई है, अगर आप थोड़ी से दूर से देखोगे तो ये प्रिंट्स नहीं लगेंगे, बट एक्चुअल में ये वाइट कलर के प्रिंट्स है. सो इसे बहुत ही हल्के हाथों से बहुत ध्यान से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो सकती है, सो बहुत केयरफुली हैंडल करनी पड़ेगी. एंड मुझे ये काफ़ी पसंद आई, कलर के लिए मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद आई, लाइक ये कलर बहुत खिलकर आ रही है चेहरे पे. नेक्स्ट एंड लास्ट आइटम इज दिस ब्लैक एंड गोल्डन सेल्फ डिजाइन कुर्ती विद प्लाजो. एंड दिस नील एंड कुर्ती हैज अ बोट नेक, लॉन्ग स्लीव, स्ट्रेट हेम, साइड स्लिट के साथ है. एंड प्लाजो पे डिफरेंट प्रिंट्स है और कुर्ती पे डिफरेंट, एक्चुअली प्रिंट्स नहीं है, वोवन डिज़ाइन है इस पे. सो मटेरियल इसका टफेटा है, एंड ये पहली बार मैं ये मटेरियल यूज़ कर रही हूँ, सो मुझे इस मटेरियल को उतना कोई आइडिया नहीं है, बट पहनने पे बहुत कंफर्टेबल लग रही है. लाइक विंटर्स के टाइम में मैं शूट कर रही हूँ एंड जितने भी कपड़े मुझे बहुत सर्दी लग रही थी, बट इसमें मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ. सो ये मटेरियल विंटर्स के लिए परफेक्ट है, और मुझे नहीं लगता समर्स पे ये आप इजीली कैरी कर सकते हैं. सो अब अगर आपको कोई वेडिंग पार्टी अटेंड करनी है तो इस टाइम पे आप इसे ले सकते हैं. इसे बहुत अच्छे से एक दुपट्टे के साथ आप पेयर करके, लाइक मैं लिंक एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उस दुपट्टे का. इससे पहले मैंने एक वीडियो में दिखाया था एक बीज कलर का बहुत ही खूबसूरत बनारसी दुपट्टा, उसके साथ यूज कर सकते हैं, तो बहुत ही ज्यादा महंगी सूट लगेगी ये. एंड सबसे बेस्ट पार्ट इसकी है कि इसकी कटिंग बहुत डिफरेंट है, लाइक आप प्लाजो की कटिंग देख सकते हैं, थिन जाकर ब्रॉड जा रही है, तो बहुत डिफरेंट एंड अलग लुक दे रही है. सो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, पता नहीं क्यों, बहुत ही डिफरेंट कटिंग है इसकी, इसलिए मुझे ज्यादा पसंद आ रही है. पहन के भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, बहुत लाइट वेट लग रही है ये कुर्ती सेट. सो मैं इसे भी रेकमेंड करूंगी, अगर कोई वेडिंग पार्टी आपको विंटर्स में अटेंड करना है तो आप इसे. Today's video guys, I hope ye video aapko pasand aayi to please like, share and subscribe to my channel, and bahut sari giveaway video aane wali hai, to bane rahiye, yun hi apna pyar dijiye and comment kijiye, like kijiye. Aur aaj main bahut zyada makeup karke baithi hu, like main itna makeup karke kabhi intro video nahi banati hu, par pata nahi aaj mera mood ho raha tha ki main khub sara ready ho jaun, to main aaj ready hokar intro bana rahi hu. I hope ye video aapko pasand aayi, and milte hain main next video pe. Bye.